यहाँ का जो आवाम है वो सभी की काफ़ी दिनों से एक कोशिश थी, एक उनका एक हमारे से रिक्वेस्ट था, दरख्वास्त थी हमसे भी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कि हम इसको जो है थोड़ा इसका मरम्मत करें। ये पूरा काम आप जो देख रहे हैं सब यहाँ के आवाम का ही करा हुआ है और हमने केवल थोड़ा उसमें मदद करी है। वैसे कश्मीर का हर एक कोना ही कुदरत की बेमिसाल कारीगरी का नमूना है, पर गुलमर्ग एक अलग ही रुतबा रखता है सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में। गुलमर्ग फेमस है वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से और यहाँ की ब्यूटी देखते ही बनती है। साइड में यू कैन सी ग्रीन मेडोज, बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ पे मंदिर भी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है और यहाँ पहुँचते हुए हमें शाम हो गई थी, क्योंकि हम पहले गुलमर्ग और गुलमर्ग के फेमस गोंडोला राइड के लिए चले गए थे। अगर आपने मेरा गुलमर्ग वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब आपको लेकर चलें उस अनोखे मंदिर में जो कि हिंदुस्तान में मजहबी एकता का एक क्लासिक एग्जांपल है। अभी मैं आपको लेकर आई हूँ एक और जबरदस्त लोकेशन पे। आप में से काफी लोग शायद इस जगह को पहचान भी लेंगे। हम थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं, आपको ज्यादा बेटर आइडिया लगेगा। सो ये वही सीढ़ियां हैं जिससे मुमताज डांस करते करते नीचे तक आई थी। जय जय शिव शंकर जो बेसिकली सॉन्ग की शूटिंग इसी मंदिर में हुई थी, इसी मंदिर की सीढ़ियों में हुई थी। ये काफी पुराना शिव मंदिर है जो कि बनाया गया था 1915 में और ये गुलमर्ग के फेमस गोल्फ कोर्स के ऑपोजिट साइड पर है। इस मंदिर की एक और अनोखी बात ये है कि मंदिर को गुलमर्ग टाउन के सारे कॉर्नर से देखा जा सकता है। मंदिर सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक खुला रहता है और यहाँ दिन में 2 बार आरती होती है। पर अब आप सोचोगे कि इसमें क्या अनोखा है। और इस मंदिर की एक और अनोखी बात है क्योंकि ये हिंदुस्तान में ऐसा एक इकलौता मंदिर है जहाँ पे जो पुजारी जी हैं, जो पूजा करते हैं, वो एक मुस्लिम है। वो पिछले 17 सालों से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और साथ के साथ वो नमाज भी करते हैं। यहाँ के पुजारी हैं गुलाम मोहम्मद शेख और वो एक कश्मीरी मुस्लिम हैं और वो 5 वक्त के नमाजी भी हैं और उनको भगवद गीता और कुरान दोनों की ही पूरी नॉलेज है। 90s में कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद मंदिर को देखने वाला कोई नहीं था। तब शेख के पिता गुलाम रसूल मंदिर के चौकीदार थे। उनके बाद से पिछले 17 सालों से गुलाम मोहम्मद शेख ही मंदिर में पूजा और मंदिर का रख रखाव करते आ रहे हैं। इतने सालों में उनको कई बार अलग अलग कट्टरपंथी संगठनों से धमकियां भी मिली हैं, पर उन धमकियों के बावजूद वो आज भी यहाँ के पुजारी हैं। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। 2021 में इंडियन आर्मी ने इस मंदिर की रेनोवेशन का जिम्मा उठाया था और इसका उद्घाटन आर्मी के ऑफिसर्स और सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ किया था। दिस टेम्पल वॉज कंसिडर्ड एज द रॉयल टेम्पल ऑफ द किंग्स ऑफ द डोगरा डायनेस्टी एंड इट्स ऑल्सो नोन एज मोहिनेश्वर शिवालय। शिव मंदिर को रानी टेम्पल या महारानी टेम्पल भी कहते हैं क्योंकि इसे इस्टेब्लिश किया था मोहिनी बाई सिसोदिया जी ने, जो कि महाराजा हरि सिंह जी की पत्नी थी। महाराजा हरि सिंह जी कश्मीर के लास्ट रूलर थे और उन्होंने रूल किया था 1915 से लेकर अपनी डेथ के टाइम तक, और उनकी डेथ के बाद महारानी जी ने अपना सारा समय शिव जी की पूजा में ही जो है वो बिताया था, इसीलिए ये जो टेम्पल है ये उनके नाम पे ही है।